हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशा वर्मा। वेलकम टू निशाज बेकरी। आज हम बनाने जा रहे हैं डोमिनोज स्टाइल चोकोलावा केक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। तो आइए हम देखते हैं कि हमें चोकोलावा केक बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। चोकोलावा केक बनाने के लिए हमें चाहिए मेज़रमेंट स्पून, हाफ कप मैदा, 1/3 कप शुगर पाउडर, 1/4 कप बटर या घी, 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, कोको पाउडर 1.5 टीस्पून, डार्क चॉकलेट 30 ग्राम, डार्क चॉकलेट 20 ग्राम। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और मिल्क पाउडर को छन्नी से अच्छे से छानेंगे। छानने से सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। अब इसमें शुगर पाउडर और बटर या घी ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए डालना है कि बैटर में लम्स नहीं हो और प्रॉपर कंसिस्टेंसी में बैटर रेडी हो। अभी बैटर थोड़ा टाइट है, इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे और बैटर की कंसिस्टेंसी रिबन कंसिस्टेंसी होना चाहिए और क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए। बैटर लगभग रेडी हो चुका है। अब हम डार्क चॉकलेट लेंगे जो 30 ग्राम है, इसे 10 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव करेंगे। टेन सेकेंड माइक्रोवेव होकर चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। अब इस मेल्ट चॉकलेट को हम बैटर में डालेंगे। और अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा बैटर क्रीमी हो चुका है और उसकी कंसिस्टेंसी रिबन कंसिस्टेंसी बन चुकी है। अब हम सारे मोल्ड बटर या घी से ग्रीस करेंगे। सभी मोल्ड ग्रीस हो चुके हैं। अब इनमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है, फिर उसमें चॉकलेट के क्यूब्स डालना है बीच में। तो हम थोड़ा थोड़ा बैटर डाल रहे हैं। अब हमने जो 20 ग्राम चॉकलेट बचाई है उसके क्यूब्स इसमें बीच में रखेंगे। अब बचा हुआ बैटर ऊपर डालेंगे। कप 1/3 ही भरना है, पूरे कप को नहीं भरना है।
कप भरकर रेडी हैं। अब इनको माइक्रोवेव में 7 मिनट के लिए बेक करेंगे कन्वेक्शन मोड पर। कपकेक लो रेक पर रखना है। मैंने बेकिंग के पहले माइक्रोवेव को 5 मिनट प्रीहीट किया है कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री। हमारे कपकेक बनकर रेडी हैं, तो आइए देखते हैं चोकोलावा केक रेडी है हमारी बनकर।